अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी इमली खजूर की चटनी की। इमली खजूर की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप इमली का गूदा लिया है। अब मैं इसके अंदर खजूर ऐड कर दूंगी, 5 से 6 अदद। खजूरों को मैंने पहले ही भिगो के रख लिया था। चीनी ऐड कर दूंगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी इसके अंदर 1/4 टीस्पून। नमक ऐड करूंगी इसके अंदर 1/4 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून। पानी ऐड करूंगी इसके अंदर 1/2 कप। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम चटनी को इतना पकाएंगे कि चटनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चटनी जो है वो हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं चटनी का पानी जो है थोड़ा खुश्क हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। मज़ेदार खट्टी मीठी खजूर और इमली की चटनी तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।